हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। और उसमें हमने इलेक्ट्रिक प्रेस को कंप्लीटली डिस्कस कर चुका था क्योंकि हम पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में डिस्कशन। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज को इफेक्ट करती हैं, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट अपना इलेक्ट्रिक। आपके सामने एक हेडिंग दिख रही है इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि क्या है, इसका हम वर्किंग देखेंगे और प्रिंसिपल देखेंगे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। देखो इलेक्ट्रो फ्यूज क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, या एक सेफ्टी डिवाइस है दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होने पे उस सर्किट को ब्रेक कर देता है। मींस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर आपस में जुड़े होने चाहिए, और उस वायर को ब्रेक करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जब उस वायर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ मेटल वायर और स्ट्रिप दैट मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लोस थ्रू इट। इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, कि इसमें जो स्ट्रिप या लगी होती है, जो वायर लगा होता है, वो ज्यादा करंट फ्लो होने पे वो मेल्ट होके गिर जाती है। देखो इस देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे लगता है। देखो ये आपके सामने कोई वायर होगा, आपके सामने कोई सपोज दैट ये वायर है, ठीक है, ये आपके पास कोई वायर है और एक वायर इसको आगे जाने लेके जाने ले। बीच में एक ऐसा फ्यूज आ गया जिसको बोलेंगे फ्यूज। ये फ्यूज ऐसे लगा है कुछ, ये फ्यूज ऐसे लगा है, ठीक है, रेड कलर वाला ये फ्यूज है। अब जैसे इसमें करंट का नॉर्मल करंट आई फ्लो होता है, लेकिन जैसे ही इस वायर में इसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो होने लगा, वैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद ये सर्किट जो होगी ये इनकम्प्लीट हो जाएगी। मींस देखोगे तो ये वायर के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, तो करंट यहीं से ब्रेक होके आगे नहीं जाएगा। तो हमारा जो अपने घर में लगे कंपोनेंट्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, वो हमारे सेफली बच जाएंगे। अगर यही नहीं लगा होता तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करंट जाने लगता और वहाँ पे हमारी टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह क्या हो जाती, खराब हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, हमारे घरेलू बिजली में, घरेलू इलेक्ट्रिसिटी में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में। और इसका सेम बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेल्ट, इसका मेल्ट हो जाना, इसके ही मेल्ट हो जाने के लिए इसको बनाया गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, आगे पढ़ना। इट हेल्प्स द प्रोटेक्ट द डिवाइस बाई स्टॉपिंग और इंटरप्टिंग द करंट। अगर करंट को इंटरप्ट कर रहा है, मतलब छेड़खानी कर रहा है, तो भी ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और ये हमारे प्रोटेक्ट को, हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है। इन दिस आर्टिकल हम इस लेक्चर में जानेंगे कि लेट अस नो द डिटेल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक फ्यूज टू क्रिटिकल कॉन्सेप्ट शुड बी केप्ट इन अ माइंड। मतलब हमें इसके वर्किंग को पढ़ने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, करंट फ्लोइंग फ्लोज इन अ लूप, जो करंट फ्लो होता है वो एक लूप में फ्लो होता है। सेकेंड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को मैंने अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियोज में डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें जानेंगे क्योंकि इसमें बताना बेहतर होगा, नहीं तो आप जो जो बच्चे भूल गए होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। तो देखो सर्किट जो करंट होगा वो फ्लो होगा लूप में। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप देखोगे बैटरी से कोई चीज निकलती, करंट निकलता है, ये बैटरी से पॉजिटिव पोल हो गया, निगेटिव पोल हो गया, है ना, यहां से करंट जाता है और यहां से वापस निगेटिव में आ जाता है। और एक कंपोनेंट लगता है यहां पर जो कि सर्किट को क्या कर देता है, कंप्लीट। ये सर्किट को कंप्लीट करने का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हमने बल्ब लगाया है तो बल्ब के अंदर एक फ्यूज लगा होता है, ऐसे टाइप की इसको सर्किट को कंप्लीट करता है। मतलब कोई भी सर्किट अपने आप को कंप्लीट चाहती है, क्या चाहती है, कंप्लीट। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका करंट फ्लो नहीं होगा, पहली बात।
ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आएंगे तभी तो बैटरी न्यूट्रल होगी, और बैटरी को न्यूट्रल होने के लिए एक कंप्लीट सर्किट चाहिए। अगर सर्किट बीच में ब्रेक हुई तो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो यहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा। ये तो हुआ अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लूप का। तो मतलब हर एक अगर करंट फ्लो कराना है तो आपको लूप में कराना पड़ेगा। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, अगर हम किसी कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा मैक्सिमम हीट भी जनरेट होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली व्हेन द सर्किट फॉर्म कंप्लीटेड, मैंने जो अभी बताया, इफ देयर इज अ ब्रेक इन द लूप इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो थ्रू। जैसे वो लूप ब्रेक हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होगा उसमें करंट फ्लो कतई नहीं हो सकता। दिस इज द आल्सो हाउ स्विचेस ऑपरेट, ये सेम वैसे ही जैसे स्विच को ऑपरेट करते हैं। जैसे अपने घर में एक स्विच होता है, एक बोर्ड लगा होता है, क्या लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है, यहां पे वायर लगा होता है, यहां सारे स्विचेस होते हैं। स्विच को हमने ऑन कर दिया तो लाइट ऑन हो जाती है, क्योंकि स्विच के बीच में ऐसे एक वायर लगे होते हैं, वायर को हम स्विच में एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग मतलब जब हम इसको प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग दोनों में टच कर जाती है और सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो इसका सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे करंट का फ्लो टूट जाता है। इसलिए सेम वैसे ही काम करता है जैसे इलेक्ट्रिक स्विच काम करता है, वैसे ही अपने घर की जो वायरिंग है उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है वो एक स्विच की तरह वर्क करता है, है ना। दिस इज ऑल्सो हाउ स्विच इज ऑपरेट, ये तो हमने बता दिया। When करंट passes थ्रू अ कंडक्टर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल components ऑफ द सर्किट लाइक अ डिवाइस अटैच्ड और इवन द वायर itself offer resistance टू द करंट फ्लो। मतलब जितने भी components जुड़े हुए हैं उस सर्किट से वो उसमें करंट जाएगा, और वो जो रेजिस्टेंस, वो जो कंपोनेंट जुड़े हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे किसको, करंट को। और जैसे ही करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो वहां पे क्या हो पाएगा, वहां पे द वर्कडन ऑफ द ओवरकम इज रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन इटसेल्फ फ्रॉम अ हीट। जो वहां पे वर्कडन करना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, करंट तो वर्कडन करेगा, करंट क्या करेगा, चार्ज करेगा। करंट तो बस चार्ज जो फ्लो होगा उसी को करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो उस रेजिस्टेंस के अपोजिट में वर्क डन करेगा, और जब आपने जहाँ पे वर्क डन किया वहाँ पे एनर्जी लगी होगी, और वो एनर्जी फॉर्म हुई किसके फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, वो सीधा सीधा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसमें क्या लिखा है। अब प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का उसको समझिएगा। The primary use of electric fuse is a protected electrical equipment from excessive current and to prevent short circuit to mismatched loads. तो हमने पढ़ा कि ये हमारे घर के components को device करता है, अगर हमारे घर के components को safety safe करता है, अगर current का जो voltage है वो mismatch हो जाए या फिर कोई भी hazard हो जाए या फिर कोई भी tragedy हो जाए तो उसके लिए। Electrical fuse play the role of miniature circuit breaker. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो पढ़ने से क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम अ प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट दे आर आल्सो यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एनी सेफ्टी हैजार्ड्स टू ह्यूमंस। ये इसलिए भी लगाया जाता है ताकि हाँ आदमी को कोई भी नुकसान ना हो सके इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे ही आप करंट फ्लो कराएंगे उसमें करंट की मात्रा ज्यादा, जैसे ही आपको करंट लगेगा वैसे इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि अचानक से उसमें हाई करंट फ्लो होने लगता है, इसलिए वहां पर ब्रेक हो जाती है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज। The fuse wire in an electrical fuse is selected in a such a way that it does not face any damage when the normally stipulated amount of the current flowing through the circuit. फिर क्या लिखा है, under normal condition, normal condition में the fuse wire is a part of circuitry contribution to the complete loop of a charge to flow through it. मतलब normal condition में जो फ्यूज होता है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कॉज होता है, नॉर्मल वायर की तरह वर्क करता है जो अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हाउएवर जब कभी यू हैन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, जब कभी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है थ्रू द फ्यूज वायर, जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा फ्यूज वायर में, वैसे ही उसमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो हीट जनरेट करने लगता है, और जब हीट जैसे ही जनरेट करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ करंट कॉजेस बाय द फ्यूज वायर इज मेल्ट। तो क्या हो जाता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है।
दिस इज बिकॉज द फ्यूज वायर इज चूजन सच दैट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो फ्यूज वायर का मटेरियल होता है उसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, और जब उसको थोड़ा ही सन टेम्परेचर मिला वो मेल्ट होकर गिर जाएगा, मीन्स सर्किट ब्रेक हो जाएगी और हमारे सर्किट इनकम्प्लीट कही जाएगी। दिस कॉजेज द लूप टू ब्रेक दियर वाई स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। तो जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसके वजह से जैसे ही इसमें एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है वैसे ही वो रेजिस्टेंस की वजह से हीट हो जाता है, और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में हीट होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट होकर गिर जाता है, तो हमारी सर्किट क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। इतना बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर इतनी बात क्लियर। अब आपके सामने नेक्स्ट क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द फ्यूज दैट प्रॉपरली स्पेसिफाइड फॉर अ सर्किट इन अ कंसिडरेशन। पहला है फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ द फ्यूज दैट इट यूज्ड अंडर स्टैंड देन इट विल फेल इवन आफ्टर अंडर नॉर्मल करंट कंडीशन अननेसेसरीली ब्रेकिंग इन द सर्किट लूप। मतलब कभी कभी अचानक हमने ऐसा भी फ्यूज नहीं चूज करना है कि जो नॉर्मल कंडीशन में ही क्या हो जाए, मेल्ट होकर गिर जाए, ये बोला इन्होंने। दूसरा, इफ द इट्स ओवररेटेड देन विल नॉट ब्रेक द सर्किट व्हेन रिक्वायर्ड द चूज इक्विपमेंट डैमेज एंड द फेलियर एंड मे इवन प्रेजेंट इटसेल्फ अ सेफ्टी हैजर्ड। मतलब हमें इतना भी स्ट्रांग फ्यूज नहीं चूज करना है कि हम करंट बढ़ाए जा रहे हैं हमारे कंपोनेंट्स खराब होते जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे फ्यूज का भी सिलेक्शन नहीं करना है। तो हमें ऐसे ही फ्यूज का सिलेक्शन करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जितना नॉर्मल कंडीशन पर नहीं कि हम भैया टीवी ऑन किए फिर भी फ्यूज करके गिर गया, है ना, ऐसे थोड़ी है। नेक्स्ट, इट सेकेंड, नॉट ब्रेक द सर्किट व्हेन द रिक्वायर्ड कॉज इक्विपमेंट डैमेज एंड फेलियर एंड मे बी इवन प्रेजेंट इटसेल्फ एंड द सेफ्टी हैजर्ड, ये तो हमने पढ़ लिया। अब फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या है, ठीक है, पढ़िएगा फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या है। फंक्शन ऑफ फ्यूज, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग अ फ्यूज इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ ओवर करेंट प्रोटेक्शन टू द फंक्शनल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हियर वी हैव अ लिस्टेड अ फ्यू मेजर फंक्शंस ऑफ द फ्यूज। इसके फंक्शन क्या है फ्यूज के, ध्यान से देखो, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच एक बैरियर का काम करते हैं, जैसे ही आप करंट फ्लो आपके बॉडी में जाने लगेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। प्रिवेंट्स डिवाइसेस फेलियर ड्यू टू द फॉल्टी सर्किट ऑपरेशन। अगर आपके जो जैसे आपने टेलीविजन बनवाने गए, आप लोग टेलीविजन बनवाने गए, तो वहां पे मैकेनिक ने क्या किया, मैकेनिक ने टेलीविजन में गलत वायर जोड़ दिया, और गलत वायर जोड़ने से जैसे ही आपने सर्किट फ्लो कराई वैसे ही आपका फ्यूज कट के गिर जाएगा, क्योंकि गलत वायर जोड़ने से आपकी पूरी सर्किट खराब हो सकती है, इसलिए वहां पे लगाया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो सबसे पहले शॉर्ट जो होगा वो फ्यूज मेल्ट होकर गिर जाएगा, है ना, तो उससे हमारा जो टीवी है वो बचा रहेगा। प्रिवेंट ओवरलोड एंड ब्लैकआउट। सपोज दैट आपके घर का जो 420 वोल्टेज लगा है, 220 वोल्टेज, और आपके पड़ोसी ने क्या किया, चोरी से आपके घर पे प्लग में आके प्लग लगा लिया, आपका वोल्टेज बढ़ गया, मतलब ओवरलोड हो गया, एक ही सर्किट पे बहुत सारे लोड्स हो गए, तो उस केस में भी आपका फ्यूज होके मेल्ट होके गिर जाएगा। तो मतलब हमारे कम ओवरलोड से भी बचाता है हमें। प्रिवेंट्स डैमेज दैट आर कॉज्ड टू द ड्यू द मिसमैच्ड लोड्स, ये तो हो गया। द मेकिंग्स ऑन द फ्यूज कैरी इन्फॉर्मेशन सच एज द एम्पियर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड द इंटरप्शन रेटिंग, ये आपके काम की बात नहीं है, इसको रहने दीजिए। टाइप्स ऑफ फ्यूज, फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, फ्यूज दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एसी फ्यूज होता है, एक तो डीसी फ्यूज होता है। एसी फ्यूज मतलब अल्टरनेटिव करंट फ्यूज, एक तो अल्टरनेटिव करंट में लगाया जा सकता है, एक तो डीसी फ्यूज मतलब डायरेक्ट करंट लगाया जा सकता है, ठीक है। जो कि कैसे लगते हैं ये भी देख लीजिएगा, फ्यूजेस क्या होते हैं, एक डीसी फ्यूज एक एसी फ्यूज। एसी फ्यूज में कई कई टाइप के बनाए गए हैं, एक तो हाई वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं, एक लो वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं। हाई वोल्टेज फ्यूज को डिवाइड किया है तीन पार्ट में, एक्सप्लोजन टाइप एचआरसी, लिक्विड टाइप एचआरसी एंड कार्ट्रिज फ्यूज। ये क्या हो गया, ये लो वोल्टेज फ्यूज दिया गया है, जिसको बोलते हैं एलवी फ्यूज, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज, इसको बोलते हैं स्विच टाइप फ्यूज, इसको बोलते हैं स्ट्राइकर टाइप फ्यूज, इसको बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज, और ये टी एलवी टाइप फ्यूज को जो डिवाइड किया गया वो दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो लिंक टाइप फ्यूज, एक है डी टाइप फ्यूज। इतने फ्यूज आपके पूरे कंप्लीटली पढ़ना है और आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूज क्या होते हैं। और मैं बताऊं कि फ्यूज का जो कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूज का जो कॉम्बिनेशन होता है देखो, फ्यूज ये है, फ्यूज कैसे बना होता है ध्यान से देखो, ये बीच में जो लगा है ये एक फ्यूज लगा है, क्या लगा है, फ्यूज लगा है, ठीक है, क्या लगा है, फ्यूज लगा है। और ये जो फ्यूज है, जैसे ही इसमें वोल्टेज का बढ़ेगा, जैसे ही आपने आगे सर्किट कंप्लीट करी होगी, जैसे ही आगे के पास में लोड होगा तो वैसे ही फ्यूज मेल्ट होकर गिर जाएगा, और यहाँ पर सर्किट क्या हो जाएगी, ये सर्किट क्या हो जाएगी मेरे भाई,
इनकम्प्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है किन किन मेटल से होके बना होता है। अब आपको ये बताओ कौन सा मेटल यूज करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए सर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगी और मेटल्स होगा मतलब जिसमें करंट का फ्लो हो सकता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे इसमें फ्यूज। तो एक होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन ये एक ऐसा मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने में। ओके, बाकी कई फ्यूज हैं जिसको बनाने में किया जाता है लेकिन जनरली हम यही यूज करते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो कैसी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी कमेंट से हमें जरूर बताया करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करा करिए, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके और आपकी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो ठीक है, ये वीडियोज़ का रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग की खुशी देखना चाहता हूँ। ठीक है, खुशी दूसरी खुशी मत समझ लेना, आप लोग की खुशी दूसरी नहीं है, हैप्पीनेस देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभरात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।